अब सुनना क्विक शिफ्टर के बैक पर टायर जलाने के लिए यहाँ पे आ जाते हो। अरे मेरी जान, सारी की सारी रॉयल एनफील्ड्स हैं। स्पोर्ट्स बाइक के साथ में आपको कंफर्ट भी मिल जा रहा है। अबे 38 की स्पीड में चल रहा है। सुबह सुबह ऐसी क्रेजी मॉर्निंग के साथ आपको भी वेलकम करते हैं हम लोग। सुबह सुबह दो सुपर बाइक्स तो साथ रोल कर रही है अभी, निंजा 1000 फुल सिस्टम एग्जॉस्ट विद एरो एग्जॉस्ट, और एक चल रही है अपनी एससी प्रोजेक्ट फुल सिस्टम Z900 पर्पल एडिशन। ये 1000SX है, ये देखना अभी खींचेंगे ना तो पटाके देखना। अपने मैंग भी साथ चल रहे, बाकी ग्रुप का भी कुछ अता पता नहीं है, तो हमने कहा पहले हम लोग ना अपने लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। आज ये वाली बाइक ना एक बार चला के देखूंगा एम्बियंस के पास पे, मेरे को एक बार चलाने का मन कर रहा है 1000SX की। ये पटाके कैसे फोड़ती है, अंडरस्टैंडिंग इसे कहते हैं कि अब जैसे भैया यहाँ पे आ रहे हैं, हल्का सा मेरे को समझ आ गया कि भैया को पहले आना है। तभी मैंने कहा कि पहले ना हल्का सा स्लो कर लो, एक सेकंड की रोकने पे कोई दिक्कत नहीं रहती भाई। निंजा 1000 ना एक ऐसी बाइक है जिसके अंदर ना इतने ज्यादा फ्लेम्स निकलते हैं और हर क्विक शिफ्टर के अप शिफ्ट पे ना पटाखा फोड़ती ही फोड़ती है। इस बाइक की ना एक खासियत है बहुत बढ़िया वाली। बाइक करता हूं वीडियो का शुरुआत में ही, अब आएगा आप लोगों ना क्विक शिफ्टर का मजा, क्योंकि अब जो है क्विक शिफ्टर पे फटने वाले बहुत क्रेजी क्रेजी बैक फायर्स। अब सुनना क्विक शिफ्टर के बैक फायर्स, मैं अभी जो है सेकंड गियर पे रेडी रहता हूँ। प्यारे बैकफायर्स मार रही है अभी क्विक शिफ्टर ना, ज्यादा यूज नहीं कर रहे क्योंकि अभी जो है बीच बीच में कट्स भी है। मतलब ये मेरे को जितना लग रहा है ना सेकंड थर्ड पे जो है क्विक शिफ्टर में पटाखे फोड़ती है, पर बढ़िया बढ़िया फोड़ रही है, जितने भी है भाई रिकॉर्ड कर करके अपन तो डालते रहते हैं। क्या डाउन शिफ्टिंग है यार, आजकल आप लोगों को भी व्लॉग बढ़िया लग रहे हैं, बट अभी वेट करते जाओ क्योंकि अभी एडवेंचर कुछ दिनों में होने वाला है स्टार्ट। भाई इस बार जाने वाले हम लोग क्रेजी एडवेंचर पे, जिसमें वाटर क्रॉसिंग से लेकर सब कुछ होगा, और वीडियो क्वालिटी इतनी प्यारी दूंगा ना मैं आपको, आपको भी लगेगा यार कोई ना मूवी देख रहा है। 10 मिनट का मूवी होता है ना, जैसे लोग तो 2-3 घंटे का बनाते हैं, हम भाई बनाएंगे 10 से 12 मिनट का मूवी, पर वो बहुत वर्थ इट होगा आप लोगों के लिए, और आपको ना मजा आ जाएगा सीरीज देख के। सुन रहे हो क्रैकल्स, पटाखे, बैकफायर्स कितने प्यारे निकाल रहे डाउन शिफ्टिंग में, यही मजा होता है सुपर बाइक्स के साथ। हाईवे चढ़ चुके हैं, बाइक अपना भी काफी हद तक ना लाउड हो रखी है बिल्कुल तगड़े वाली, और अरे बाप रे चारों तरफ से बाइकें ही बाइकें चल रही है। यहाँ पर भी कुछ बाइक्स खड़ी और पीछे एक ना गाड़ी आ रही काफी तेज, ये देख लो बंदा पंप हो रखा गंदे वाला, ऐसे लोगों से डर लगता है हमेशा, मैं कहता हूँ आप लोगों को। वो देखो क्या देख रहे हो, क्या कर रहा है, मतलब बाइकों को देख के ना छपरी पंती ना इनके अंदर की जाग जाती है। टाटा को तो छोड़ दो, यहाँ तो अपन चलो S1000 के साथ और निंजा 1000 के साथ ही आज मस्त रोल करते जा रहे हैं। हमारी शुरुआत से स्पीड इतनी कम है ना कि आराम से चलते जा रहे हैं, ज़्यादा ना भगा भी नहीं रहे क्योंकि एवरेज निकलती जा रही है, तो सभी कह रहे हैं मतलब सब क्या, हम दोनों ही सोच के चल रहे हैं कि चलो भाई क्रूज करते करते ही चलेंगे ना, क्यों भगाना इतना ज्यादा जब रोड इतनी बढ़िया, मौसम इतना प्यारा हो रखा है। पर कुछ होते हैं ना जो थोड़े उंगली करते हैं बंदे, बस क्या करें ना उनका। और मौसम भी आज ना काफी बढ़िया हो गया, रात में ना हल्का हल्का ठंडक थी, बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा बढ़िया होगा मौसम। हल्की हल्की जो है वो है बादली है, बहुत हल्की हल्की है, ज्यादा नहीं है, पर फिर भी मौसम तो बढ़िया है ना। ये देख लो R1 का स्टैंड खुला है भाई, पुरानी वाली R1 ही है भी, बढ़िया बढ़िया। आते ही भीड़ इकट्ठी हो गई यार, अरे मेरी जान क्या क्या बात कर दी भाई, अरे थैंक यू भाई थैंक यू, बहुत बढ़िया यार। अबे कहाँ गया ग्रुप, ओके बिलिया मारते मारते सारे के सारे आ गए, ये पूरा ग्रुप अपना है। बाइकें देखो एक से एक बाइकें हैं, और 6R भी आ गई, एक आ गई ट्रायम्फ, फिर 900, आज नो मोटो व्लॉग, झांसी डायरेक्ट अभी, अरे बाप रे बेवकूफ है, सिर्फ टायर जलाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, पूरा का पूरा धुआं 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 कर दिया। एप्रिलिया न्यू वाली भी आ रखी है, पर फिर भी यहाँ पे अपना पूरा ग्रुप खड़ा हुआ है। अगर आपको अपना ग्रुप दिखाऊं ना एक बार, तो दिखाता हूँ, सबसे पहले आ गई अपनी एक आ गई बाइक, ठीक है, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, फिर ये आ गई, ये मतलब इतनी सारी बाइक है कि मैं नाम भी नहीं ले पा रहा, इतनी सारी बाइक है। और गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, पसीना पसीना हो रखा है, सुना
बढ़िया बढ़िया बिल्कुल। और अपने अभी सब्सक्राइबर भाई भी आए थे, बट यहाँ देख लो हर बंदा जो है बर्नआउट पे बर्नआउट पहन रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं आता बंदों को भी। यार क्या है यार, चारों तरफ शोर ही शोर मच रहा है, यहाँ पर भी मच रहा है, उस तरफ भी मच रहा है। अपना लाइनअप में ना एक स्पेशल है, बस आई है भाई, मेरी आवाज आ जाए बस, हर जगह से शोर ही शोर मच रहा है। बात चलाएंगे हम निंजा 1000 SX। अरे तो अलग ही है, कंफर्टेबल है, तो साला लद्दाख ऐसे लेके जाओ, कंफर्टेबल है पर ये हाथ में छूट के निकलती है तो अलग ही क्रेज़ है। ये तो इतनी कंफर्टेबल है यार, इसको तो कहीं पे भी लेके निकल जाओ तो मस्त जाएगी। ये देख लो यहाँ पे व्हीली स्टंट्स चल रहे हैं, अपने को तो मतलब नहीं। क्या बाइक है यार, क्या बाइक है यार, क्विक शिफ्टर ऑटो ब्रेकर बहुत बढ़िया काम कर रहा है इसका तो मेरे को, और इतनी कंफर्टेबल है, मतलब आराम से इस बाइक को जो है लॉन्ग टूर के लिए तो बहुत बढ़िया है, कहीं पे भी लेके जाए तो बहुत कंफर्टेबल ही जाएगी। और छठा गियर भी आराम से लगा दिया, क्विक शिफ्टर इतना स्मूथ है यार, क्या बाइक है। ऐसी बाइक्स जो है ना, इनके साथ आता है मजा लॉन्ग टूरिंग करने का, मतलब आप ना आराम से चल रहे हो, आपके कंधे वगैरह सब कुछ कंफर्टेबल मोड पे है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार सिर दर्द कर रही है या फिर थका रही है कुछ भी। ऊपर से जो मिरर्स की पोजीशनिंग है वो भी बहुत बढ़िया कर रखी है इन्होंने, मतलब मेरे को लगता था निंजा 1000 कैसी होगी क्या होगा, पर यार ये जो चला रहा हूँ ना, मैंने 6R जब लास्ट व्लॉग में चलाई थी, 6R में कम्फर्ट नहीं था, पर इसमें मेरे को पीछे के व्यूज भी दिख रहे हैं, मिरर के सब कुछ दिख रहा है, मतलब इसको सेट कर दिया हल्का सा और उसके बाद मेरे को सारा का सारा पीछे का व्यू दिख रहा है, पूरी एक गाड़ी की तरह चल रही है। तो नीचे से नहीं जाने वाला, आगे से जाऊंगा, यहाँ पे ना मजा नहीं आता क्योंकि छोटा सा स्ट्रेचर, इस बाइक का तो कंफर्ट इतना ज्यादा है, तभी ये जो है मैं भैया ने ये बाइक ली है, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक के साथ में आपको कंफर्ट भी मिल जा रहा है। मैं ज्यादा नहीं खींच रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं एक ना स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं ना आराम से वही अपनी नॉर्मल एक जो है बाइक पे बैठा हूं और नॉर्मल तरीके से चला रहा हूं इसको, बिल्कुल कंफर्टेबल। मतलब 0-100 में तो मैं आगे की तरफ झुक जाता हूं, इसमें तो मैं पूरा कंधा वगैरह पूरा बिल्कुल सेट हो रखा है, बहुत बढ़िया पोजीशनिंग है यार इस बाइक की, मच रिकमेंडेड बाइक हो गई यार ये तो, मतलब ये है कि मेरे नेक्स्ट अपग्रेड हो सकता है कि यही हो फिर तो, जब इतना कंफर्ट और कोई गड्ढा नहीं पता चल रहा, सबसे बड़ी बात यही है, मतलब स्मूथली निकलती चली जा रही है। अब निकाले ना इसने पटाखे, आगे से राउंड लेके आऊंगा मैं तो। और ब्रेकिंग इतनी प्यारी है, मतलब जहां ब्रेक मार दे रहा हूं वहीं पे बाइक जो है रुक जा रही है। अरे भाई साहब अकलमंदी, मतलब क्या बोलूं ऐसे बंदों को। अरे यार इतनी कंफर्टेबल, ऐसा मेरे को लगा ही नहीं कि मैं सुपर बाइक चला रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल है। तो चलो भाई अपना निकलने की तैयारी हो चुकी है, मैंने आज अपना बैक फायर पहली बार सुना। आगे के लिए भाई हम लोग निकल गए हैं और बाइक इतनी सारी है ना ग्रुप के अंदर, मैं भी जो है 3 डंडिया आराम से बाइक जो है चलेगी, और वहाँ निंजा 1000 चलाई भाई, इतनी कंफर्टेबल बाइक है ना। मैं 900 पे ना कंफर्ट तो होता है, पर ये कि स्पोर्ट्स बाइक है तो इसमें क्या होता है ना, आपको पीठ पे दर्द हल्का सा रहता ही रहता है, पर जो कंफर्ट उस बाइक का है ना वो यार डिफरेंट था। मेरे को पॉइंट लग ही नहीं रहा कि स्पोर्ट्स बाइक पे अपग्रेड करना चाहिए, उसके बदले ना मेरे को समझ आ रहा है कि निंजा 1000 SX ले लो, सबसे बढ़िया, मेरे पापा के लिए भी कंफर्टेबल, मेरे भाई के लिए भी, मेरे लिए भी, इतनी कंफर्टेबल पोजीशनिंग है ना इस बाइक की कि बोलना ही अलग है यार। अगर आपको पोजीशनिंग दिखाऊं ना तो ये देख लो कितनी बढ़िया पोजीशनिंग है, पैरों का कंफर्ट नेक्स्ट लेवल, और यहाँ पे वीडियोस बनती हुई चल रही है अपनी, इतनी बाइक्स है ना, इतनी बाइक्स, वर्थ करोड़ों का लाइनअप तो ऐसे ही चल रहा है यहाँ पे। ओहो यहाँ पे भी खड़ी है कुछ बाइक्स, GT आ रही थी पीछे से तो मैंने उसको जगह दी, मैं कहा निकल जाओ भाई, क्योंकि वो काफी हद तक स्पीड में था, और अब उसके सामने आने का मतलब था कि ओ भाई ये क्या चल रहा है। ओ भाई साहब थंडरबर्ड को भगा रहा पूरी भाई, ये बंदे का जिगरा है। अपना बाकी लाइनअप पता नहीं कहाँ रह गया, और यहाँ पे व्हीली पे व्हीली चलने वाली है, ये भी एक अपने बाइक लाइनअप में चल रही। अबे क्या कर रहा है पागल, ये देख लो अंधों की तरह चला रहा है। ये चल रही है एक 900 और ये चल रही GT 650 6R
हद से ज्यादा बाइकें हैं। निंजा 1000 भी पीछे ही चल रही है, मैं इसलिए थोड़ा पीछे चल रहा हूँ क्योंकि इतनी बाइक्स है ना, तो कन्फ्यूजन ना हो किसी को भी, तभी डबल साइड सबने जला रखे है ताकि ना सबको अटेंशन मिलती रहे कि भाई कौन कहाँ चल रहा है। और आज जा रहे हैं हम लोग राइट टुवर्ड्स पंचगांव क्योंकि मौसम बहुत बढ़िया है। अरे 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 ट्रैम्प पे व्हीली ना बहुत आसान होती है करनी, कहते हैं ऐसा, मैंने तो आज तक करी ना, मेरे को करने का शौक क्योंकि मेरे बस की नहीं है व्हीलियां मारना। क्या बात क्या बात क्या बात, क्या बात?